टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर वन एंड थ्री वन सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस माइनस वन इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कूलम एंड फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस टू कूलम. इफ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर देन द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज ओके. तो आपके पास यहाँ पर एक स्फीयर है एंड ये वाला एक स्फीयर है. इसका रेडियस आर वन है मान लो, वो क्या है 1 सेंटीमीटर. इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है. नाउ दीज टू स्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ वायर, कंडक्टिंग वायर. तो ये फाइनल डायग्राम ऐसा है. उसके बाद इसके ऊपर चार्ज है आपके पास Q1. Q1 कितना है माइनस वन इंटू टेन टू पावर माइनस टू कूलम. ये Q2 कितना है 5 × 10⁻²⁻ कूलम. मतलब ये सिस्टम के ऊपर का नेट चार्ज कितना है देखो, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस वन प्लस 5 × 10⁻²⁻ मतलब कितना आएगा 4 × 10⁻²⁻ कूलम आ जाएगा. Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 4 × 10⁻²⁻ कूलम. अभी हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को कनेक्ट किया. दोनों को कनेक्ट करने के बाद, वायर से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा. कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो अगर ये दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो चार्ज तो फ्लो होने वाला है. ये कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का चार्ज सेम नहीं हो जाता, राइट. जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता. तो यहाँ पे मान लो जब उसका पोटेंशियल सेम हुआ, इसका चार्ज Q1 है इसका चार्ज Q2 है, मतलब दोनों का पोटेंशियल यहाँ पर क्या हुआ है, सेम हुआ है. तो ये क्या आएगा, KQ1/R1 इज इक्वल टू KQ2/R2. के कैंसिल हो गया. Q1/Q2 इज इक्वल टू क्या आएगा, R1/R2. R1 दिया है, R2 3 दिया है. तो Q2 का वैल्यू कितना आएगा देखो, 3Q1 आ जाएगा. यहाँ पे एक रिलेशन मिला हमें. एंड वी नो दैट यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र होगा ना, मतलब जितना चार्ज इनिशियली होगा उतना ही चार्ज फाइनली होगा. इनिशियली चार्ज कितना था 4 × 10⁻²⁺ एंड फाइनली कितना चार्ज हुआ, छोटे वाले के पास Q1 है, बड़े वाले के पास Q2 है. तो ये Q1 + Q2 इतना आ गया. अभी Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये आएगा 4 × 10⁻²⁺ इज इक्वल टू Q1 + 3 × Q1. मतलब Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 10⁻²⁺ कूलम. छोटे वाले के पास कितना आ गया, 10⁻²⁺ कूलम. एंड बड़े वाले के पास कितना आएगा, Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻²⁺ कूलम. तो ये आ गया आपका Q1 एंड Q2 का वैल्यू. पूछा क्या है, चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज, बिगर स्फीयर क्या है 3 × 10⁻²⁺ कूलम. ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन.